हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रनिंग वेबसाइट। भारत की राजव्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु सितंबर 22 संसद में लोग आज बात करेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया के बारे में। विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी विधेयक। यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं, किंतु उनमें विभिन्न प्रकार का अंतर होता है। जैसा बताया गया है, संसद के प्रस्तुत विधेयकों का निम्न चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहला, साधारण विधेयक। वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंध विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। दूसरा, धन विधेयक। ये विधेयक वित्तीय विषयों यथा करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं। तीसरा, वित्त विधेयक। ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं। चौथा, संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। संविधान में सभी चारों प्रकार के विधेयकों के संबंध अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया विविध की गई है। यहाँ साधारण वित्त एवं धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा की गई है। साधारण विधेयक। प्रत्येक साधारण विधेयक संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में निम्न पाँच चरणों से गुजरता है। पहला, प्रथम पाठन। साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदन सदस्य में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन की इसी अग्रिम सूची न देनी पड़ती है। जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का शीर्षक एवं इसका उद्देश्य बताता है। इस चरण में विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाते हैं। द्वितीय पाठन। इस चरण में विधेयक की न केवल समान बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण में के तीन उपचरण होते हैं, जिनका नाम है साधारण बहस की अवस्था, सीमित द्वारा जांच एवं विचारणीय अवस्था। साधारण बहस की अवस्था। विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्य के बीच वितरित कर दी जाती है। समानता विधेयक के सिद्धांत एवं उपबंधों पर चर्चा होती है, लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता। इस चरण में संसद निम्न चार प्रकार से कोई कदम उठा सकता है। पहला, इस पर तुरंत चर्चा कर सकते हैं या इसके लिए कोई अन्य तिथि निहित कर सकता है। दूसरा, इसे सदन की प्रवर सीमित समिति को सौंपा जा सकता है। तीसरा, इसे दोनों सदनों की संयुक्त सीमित को सौंपा जा सकता है। चौथा, इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रवर समिति में उस सदन के सदस्य होते हैं जहां विधेयक लाया गया था, और संयुक्त समिति दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। पहला, सीमित अवस्था। समानता विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करती है, लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं करती है। समीक्षा एवं परिचर्चा के उपरांत सीमित विधेयक को वापस सदन को सौंप देती है। सा, विचार विमर्श की अवस्था। प्रवर समिति से विधेयक द्वारा प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है। विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा एवं मतदान होता है। इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो ये विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। तृतीय पाठन। इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है, तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के उपरांत इसे संसद द्वारा पारित समझा जाता है। चौथा, दूसरे सदन के विधेयक एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन भी विधेयक को प्रथम एवं तृतीय पाठन होता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न चार विकल्प होते हैं। पहला, जब विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को
को भेज सकता है। दूसरा, यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारत भेज सकता है। तीसरा, यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। चौथा, यह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना करके उसे लंबित कर सकता है। यदि दूसरा सदन किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है या प्रथम सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर लेता है, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है तथा इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी ओर, यदि द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधनों को प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है या द्वितीय सदन विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देता है या द्वितीय सदन 6 मास के लिए तक कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों को बहुमत इस संयुक्त बैठक के विधेयक को पारित कर देता है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसे समय राष्ट्रपति के समक्ष 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक की स्वीकृति दे सकता है। वह स्वीकृति देने के लिए विधेयक को रोक सकता है। सा, वह पुनः विचार हेतु विधेयक के सदन को वापस लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक की स्वीकृति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है, किंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देता है तो यह निरस्त या समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर को पुनः विचार हेतु सदन को वापस भेजता है, सदन संशोधन के बिना संशोधन किए गए राष्ट्रपति उसे राष्ट्रपति द्वारा भेजता है, तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने हेतु बाध्य होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में निलंबनकारी वीटों का प्रयोग कर सकता है। धन विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब इसमें निम्न वर्णित एक या अधिक समस्त उपबंध होंगे। पहला, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। दूसरा, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन। तीसरा, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। चौथा, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। पांचवा, भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार की किसी व्यय की राशि में वृद्धि। छठा, भारत की संचित निधि या लोक लेख में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण। सातवां, उपरोक्त विधिनिष्ठ किसी विषय की अनुशंसित कोई विषय। यदि भी कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह पहला, जुर्माने या अन्य धनीय साथियों का अधिरोपण करता है, या दूसरा, अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है, तीसरा, किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सर्जन या परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दे सकती। जब धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृत हेतु जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में प्रस्तावन करता है। संविधान में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के लिए संबंध में एक विशेष प्रक्रिया विहित होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, तो इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा में विचारत भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंध शक्तियाँ हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, या केवल सिफारिश कर सकती है। 14 दिन के भीतर उसे पर इसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह रोज राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे। यदि लोकसभा किसी भी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है, तो फिर इसे संशोधित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। लेकिन यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को नहीं मानती है, तो इसे मूल रूप से दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। यदि राज्यसभा इसे विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती है,
तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति काफ़ी सीमित है। दूसरी ओर साधारण विधेयकों के मामलों में दोनों सदनों की समान शक्ति प्रदान की गई है। अन्यथा जब धन विधेयक को राष्ट्रपति के प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे जाता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। समानता लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले जब राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति इससे सहमत है तथा वे इस पर सहमति दे भी सकते हैं देते हैं। वित्त विधेयक, साधारणतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। वित्त विधेयक निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला, धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक प्रथम अनुच्छेद 117(1), वित्त विधेयक द्वितीय अनुच्छेद 117(3). इस वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक को लोकसभाध्यक्ष द्वारा भी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। वित्त विधेयक प्रथम तथा द्वितीय की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में की गई है। वित्त विधेयक प्रथम, एक वित्त विधेयक वह विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित सभी मामले होते हैं। इसके अलावा अन्य आय मामले भी, जैसे कि एक विधेयक जिसमें ऋण संबंधी खंड हो लेकिन वह विशिष्ट ऋण से संबंधन हो, वित्त विधेयक प्रथम दोनों दो रूपों में धन विधेयक के समान है। दोनों लोकसभा से पेश किए जाते हैं व दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किए जाते हैं। अन्य सभी मामलों में एक वित्त विधेयक प्रथम वह विधेयक है जिसे उसी प्रकार वहत किया जाता है जैसा कि साधारण विधेयक, तथापि इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर, हालांकि इस संबंध में किसी भी सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित कर आदि को तब तक कम से कम या समाप्त नहीं किया सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसके सहमति न दे दें। यदि इसी प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। वित्त विधेयक द्वितीय, एक वित्त विधेयक द्वितीय में भारत की संचित निधि पर भारत व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, लेकिन इसमें वह कोई मामला नहीं होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है। इस साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। इस विधेयक की एकमात्र प्रमुख विशेषता है कि सदन के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया सकता जब तक राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा ना दे। वित्त विधेयक द्वितीय को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया सकता है तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों ही सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक और असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित तीन में से एक किसी एक परिस्थिति में बुलाई जा सकती है जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है। पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है गया हो। दूसरा, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो। तीसरा, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो। उपरोक्त तीन परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इसे पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में आहूत की जा सकती है।
तथा धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियाँ लोकसभा की हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में विधेयक की दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता जब अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन हो रहा है। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक को नोटिस देती है जो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी कर दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार को नोटिस देने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में ही उपाध्यक्ष या दायित्व निभाता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति या दायित्व निभाता है। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जा सकता है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधारण स्थिति में इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता, क्योंकि वह किसी भी सदन की सदस्यता नहीं होता है इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ना कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। यदि विवादित विधेयक को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने के लिए सदस्य की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों में पारित कर दिया जाता है। समानता लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस संयुक्त बैठक में उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। संविधान में यह उपबंध कि इस संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जा सकता। पहला, कि वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय ना ले पाए हों। दूसरा, वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने के विलंब कारणों के अनिवार्य हो गए हों। 1950 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को 3 बार बुलाया गया हो। विधेयक जो संयुक्त बैठक द्वारा पारित होते हैं, पहला दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1970 और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।